जोहार भारत, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज। आज हमारे साथ है संभावित प्रत्याशी सिमरिया के उगंदा। अब देखिए, उगंदा से मिलाते हैं और जानने की सबसे पहले की कोशिश करेंगे कि 18 तारीख को जयराम महतो इटखोरी में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। सबसे पहले इसको इटखोरी धरती को और मैं यहाँ माँ भद्रकाली के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मैं बता दूँ, सिमरिया विधानसभा का एक इटखोरी जो है वो आइकॉन रहा है, किसी भी क्षेत्र से आइकॉन रहा है, एक निर्णायक के रूप में रहा है और ऐतिहासिक रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक तौर पर ये हमारे JLKM पार्टी के लिए भी 2024 ऐतिहासिक रहेगा। ऐसी माँ के चरणों में विनती करता हूँ और ऐसी आशीर्वाद चाहता हूँ कि इटखोरी का शंखनाद जो हो वो पूरे झारखंड में सुनाई दे और यहाँ का जो इतिहास रहा है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। अभी भाजपा के यहाँ विधायक है किशन कुमार दास जी, क्या लगता है आप उन्हें चुनौती दे पाएंगे अगर प्रत्याशी के रूप में आते हैं तो? नहीं देखिए, एक्चुअली है कि एक तरफ धन बल है, इसको इनकार नहीं किया, हम लोगों के पास जन बल है और हमारी एक विचारधारा है जो झारखंड के नीति नियमों की बात करती है, विस्थापन नीति की बात करती है, रोजगार की बात करती है, यहाँ के विद्यार्थियों की बात करती है, यहाँ की संस्कृति की बात करती है, यहाँ की भाषा की बात करती है। ये मेरा विजन है और अगर यह विजन नहीं होता तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, आज 3 वर्षों में लगातार इतनी बड़ी जनसैलाब हम लोगों के समर्थन में नहीं आती है, ये तो है। लेकिन जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं उन सभी को आप अवलोकन करेंगे तो ये हमारे झारखंड की हित की जो विजन है वो अन्य पार्टी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ उनको सत्ता पे जाना है, बाकी जनता की जो चीजें हैं, झारखंड के जो मुद्दे हैं, उससे उनको कोई सरोकार नहीं है। चाहे हमारे सिमरिया विधानसभा के माननीय किशुन दास जी हैं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जहाँ उनका घर है वहाँ बड़ी बड़ी कोल माइंस कंपनियां हैं, फैक्ट्री चल रही है, लेकिन वहाँ के एक भी जनहित के मुद्दे में आप एक भी क्लिप बता दें कि विधानसभा में वो बात रखे होंगे, तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि हमारे झारखंड के हित की बात करते हैं, अपने सिमरिया विधानसभा के हित की बात करते हैं, अपने क्षेत्र की जो विस्थापित लोग हैं उनकी बात करते हैं। बहुत सारे तो सड़कें भी बनाए हैं किशन कुमार दास जी, मजूरहंड में, इटखोरी में बहुत सारे सड़कें बिछा रहे हैं, बहुत सारे विकास के काम कर रहे हैं, आप बोलते कोई मुद्दा ही नहीं उठाते, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तो जिस रोड से आया हूँ मैं तो देखा नहीं हूँ, क्योंकि मैं गिद्धौर से घुस करके और यहाँ आपका नगवा निकला हूँ, वो तो वही है जो आज 10 साल पुरानी थी, वही सड़क से मैं आया हूँ, तो मैं इसको नहीं मान सकता हूँ। तो किस तरह से चैलेंज देखते हैं विधानसभा चुनाव में, क्या JLKM इस बार चतरा और सिमरिया को फतह करेगा कि फिर से भाजपा ही या कोई और पार्टी यहाँ पे दबदबा बनाएगी? नहीं, ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, हम ही सब लोग ठान लिए हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, जितने लोग हैं सबकी जनभावना हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है। और निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग जन बल से ये धन बल को पराजित करेंगे और झारखंड में इतिहास लिखने का काम करें और टाइगर जयराम महतो को झारखंड का CM बनाएंगे हम लोग। आप कोयल्स माइन के बारे में बोल रहे थे, कुछ वीडियो पहले आपका देखा मैंने, उसमें बात कर रहे थे आप अमरपाली का और भी कोल माइंस का, आप बात कर रहे थे कि बहुत से लोग यहाँ पे लोकल लोगों का काम करना चाहिए, ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती है, सब विस्थापन का हो रहे हैं, बहुत लोग बाहर प्लान कर रहे हैं, तो क्या उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वहाँ पर सत्यता है, आप कभी जाएं और आप ग्राउंड रिपोर्ट करें तब आपको समझ में आएगा कि मैं जो बोलता हूँ इसमें कितना सत्यता है। मैंने, हमारे घर से ज्यादा दूर तो नहीं है, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है वो कोल माइंस है, और टंडवा जो है वो विस्थापित है और सिमरिया जो है वो आपका प्रभावित है। ये दोनों दोनों सबसे ज्यादा अगर वो विस्थापित है तो प्रभावित इतनी है कि आप आए दिन सिमरिया चौक क्षेत्र में आप जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज जितने लोग देख रहे हैं ये सारे लोग ये महसूस किए हैं कि 7 बजे शाम के बाद अगर यहाँ से मैं हूँ यहाँ पर, अगर 7 बज गया तो हमारे घर परिवार वाले लोग को ये चिंता रहेगी कि अब जब आ जाए घर तभी उसकी जिंदगी सवेरा नहीं होगी। ये हालत हो गई ये विस्थापित सिमरिया और टंडवा के क्षेत्र के लोगों की ये हालत है। क्या लगता है आपके सरकार बनने के बाद ये सब दूर होगी, विस्थापन की जो हो रही है, लोग प्लान कर रहे हैं, ये सब रुकेगा? नहीं, पलायन सभी नहीं रुका, लेकिन एक नीतिबद्ध तरीके से अगर हम काम करें या कोई भी सरकार काम करे, तो जिस तरह के दूसरे गुजरात का जो वहाँ पे विस्थापित नियम है, महाराष्ट्र का जो विस्थापित नियम है, आपका और बंगाल के जो विस्थापित नियम है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि 40% हमारा झारखंड का कोयला का रॉयल्टी देने वाला पूरे देश का, और उससे भी सबसे ज्यादा एशिया महादेश का सबसे बड़ा कोल माइन सिमरिया विधानसभा का टंडवा, और उसके बाद भी अगर बात करें हम लोग धनबाद कोलोरी एरिया, और सारे का जो है सो हेड कहाँ पर है, बंगाल। ये तो बहुत अच्छी बात है, और वहाँ के जितने भी GM या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर बन के सब बाहरी हैं और वो हमारे क्षेत्र से कोई वास्ता नहीं रहता है। तो हम लोगों से ये शुरू से मांग रही है कि जो अब जब कोयला हम देते हैं तो यहाँ के सारे ब्रांच, सारे हेड ऑफिस हमारे झारखंड के अंदर होना चाहिए ये तो, और हम लोग अगर सरकार में आए तो ये निश्चित करके दिखाएंगे हम लोग। मैं आश्वस्त देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों को।
चलिए धन्यवाद उगन जी, बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी बात करते रहेंगे। 18 तारीख को जयराम महतो इटखोरी आने वाले हैं, उगन दा उस दिन जरूर उपस्थित होंगे, इनसे कई बातें होंगी। लेकिन सबसे बड़ा बात तो ये होगा कि कहीं ना कहीं 18 तारीख को यहाँ प्रत्याशी के रूप में 5 लोग जो आप लोग आए हुए हैं संभावित प्रत्याशी के रूप में, वो कहीं ना कहीं क्लियर उस दिन ना हो जाए, ये भी बड़ी बातें होगी। देखिए ये से पार्टी में एक सिद्धांत है, हम लोगों का एक सिद्धांत है, चूंकि हम लोग प्योर झारखंड की मिट्टी के बने हुए हैं। और रवि जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं उस आंदोलनकारी परिवार से हूँ जिनके परिवार से झारखंड का आंदोलन करने में संबंध रहते हैं, उस परिवार से हैं। तो कहीं ना कहीं इस पार्टी और इस एमपी एमएलए से ज्यादा हमारा झारखंड की अस्मिता की लड़ाई है। मेरे 4 भाई जो बचे हुए हैं उनमें से किन्हीं को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं बढ़ चढ़ के भाग लूंगा और यहाँ पर फतह करने की जो भी हमसे उपचार बनेगा मैं बढ़ चढ़ के भाग लूंगा और इसको सिमरिया विधानसभा जीतने का, जेएलकेएम जीतने का काम करूंगा। मुझे एमपी एमएलए बनना ये कोई शौक नहीं, मिट्टी बचाना हमारा सबसे उद्देश्य है। धन्यवाद उगन जी, और बहुत बड़ी बात कही है, जो भी आएंगे उनके साथ कदम पे कदम मिलाकर ये साथ रहेंगे और कहीं ना कहीं सिमरिया में जिस तरह से इन्होंने बात कहा कि जेएलकेएम की सरकार बनाने के काम करेंगे, तो कैसा लगा न्यूज ये जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामले न्यूज। धन्यवाद।